तुमको रत्ती भर शर्म नहीं आती है? कितनी बार बोला है संभल के बात किया करो, लेकिन रत्ती भर शर्म नहीं है, हमेशा बेशर्मों जैसी बातें करते हो। रत्ती भर लाज नहीं, रत्ती भर सहूर नहीं, रत्ती भर बात करने की तमीज नहीं। ये रत्ती आखिर है क्या? ये रत्ती मुहावरों में इस्तेमाल होने वाला ये शब्द रत्ती, जी हाँ, आज मैं सिर्फ इसी शब्द के बारे में बात करूँगी और इसी के बारे में बताऊँगी व्हाट एग्जैक्टली द वर्ड इज़ नोन एज रत्ती। रत्ती एक छोटे से मोती का नाम है, जी हाँ, कई भाषाओं में उसको जाना जाता है। और एज आई एम फ्रॉम बुंदेलखंड, तो हमारे यहाँ उसको गुंजू कहते हैं और कई जगह उसे गुंजा भी कहते हैं, गुंजा के बीज। लाल और काले रंग के बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे से दाने एक जैसे शेप में जंगलों में पाए जाते हैं और उनकी पहले मोती की माला भी पिरो के बनाई जाती थी रत्ती की। और जब वज़न तौलने के लिए कुछ नहीं होता था पहले के ज़माने में, तो सुनारों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वज़न के लिए ये जो दाने होते थे छोटे छोटे, उनको कहा जाता था रत्ती। रोज़री पी के नाम से भी इस पेड़ को जाना जाता है और मैं अभी इस पेड़ की कुछ पिक्स भी दिखाऊंगी आपको, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा ये मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ये रत्ती, साइंटिफिक लैंग्वेज की बात की जाए तो इस पौधे को एवरस प्रीकेटेरियस के नाम से जानते हैं। बिल्कुल एक 4 से 5 इंच का पौधा, लता टाइप का होता है, इसमें छोटे छोटे से मोती लगे होते हैं। सूखने के बाद इनका ये कलर आता है रेड और ब्लैक कलर का। इसलिए मैंने आपसे बोला ना, रत्ती भर अकल नहीं, रत्ती भर तमीज नहीं, रत्ती भर शर्म नहीं, ये रत्ती 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 है, आखिर ये है क्या रत्ती? पुराने ज़माने में जब सुनारों के पास नापने और तौलने के लिए एक्यूरेट वज़न को मापने के लिए कुछ नहीं होता था, तो इन जो ये जो दाने थे ना रत्ती के या फिर गुंजा के बीज, इन्हीं का इस्तेमाल सुनार किया करते थे सोने को और चांदी को तौलने के। सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि कितने भी साल पुराना ये बीज हो जाए, कितने भी तरह के से आप तोड़ करके लाएं, कहीं से भी तोड़ के लाएं, हजारों बीज का भी वज़न नापेंगे तो एक ही वज़न निकलता था। यानी कि किसी भी कंडीशन में इन सीड्स का वेट कभी चेंज नहीं होता था और इनका वज़न होता था 1 ग्राम का 1/8 भाग, यानी कि 1 to 1.5 मिलीग्राम। और यकीन मानिए कि सारे के सारे रत्ती का वज़न एक जैसा होता था, इसीलिए सुनार एक यूनिट रत्ती को इस्तेमाल करते थे सोने को वज़न करने के लिए। लेकिन ये शब्द रत्ती मतलब थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, लेकिन एक जैसा, इसीलिए कहते हैं रत्ती भर शर्म नहीं, यानी कि थोड़ी सी भी शर्म नहीं, रत्ती भर तमीज़ नहीं, यानी कि थोड़ी सी भी तमीज़ नहीं, है ना? बहुत ही मज़ेदार पौधे का बीज है ना, बिल्कुल देखने में उतना ही खूबसूरत है ये, जितना ये अपने गुण और स्वभाव से खूबसूरत है। जी हाँ, कभी आपको ये सीड दिखाई दे तो इसको बिल्कुल ऑर्डिनरी सीड मत समझिएगा, साधारण नहीं है, बड़े काम का है ये रत्ती।